Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। एक ही दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2786 केसेस सामने आए हैं। इससे कबल 3 मई को 2698 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ऑन्टेरियो के नर्सिंग होम्स में बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाने लगी। खुफिया कैमरों की मदद से मालूम हुआ कि ऑन्टेरियो के 632 होम्स में से 538 बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी करते रहे। कनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। सूबे में दूसरी लहर के दौरान एक ही दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मुसलसल दूसरे रोज कोरोना वायरस से 9 अम्पात रिपोर्ट हुई। टोरंटो के एक जज ने बेघर अफराद की जानिब से पार्क्स में कैंप लगाने की इजाज़त की दरख्वास्त खारिज कर दी। बेघर अफराद को पार्कों में रहने की इजाज़त चाहते हैं, जबकि आधी रात के बाद पार्क में रिहाइश या कैंप लगाने पर पाबंदी आई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,20,03,060 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 11,42,874 हो गईं। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा के इस्तेमाल की मुकम्मल मंजूरी दे दी। कोरोना का शिकार होने वाले अमरीकी सदर ट्रंप को भी दौराने इलाज ये दवा दी गई थी। अमरीका में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आगाज हो गया है। मुतादिद अमरीकी रियासतों में नए केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, जिनमें ज्यादातर अमरीका की वस्त मगरबी रियासतें मुतासर हुई हैं। अमरीकी सदर ने भारत को गंदा मुल्क करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कोरोना वायरस मेरी वजह से नहीं चीन से आया है। जब मैंने चीनियों के लिए शटडाउन किया तो जो बाइडन ने कहा कि गलत काम किया। डेमोक्रेट सियासतों को देखे, वो शटडाउन कर रहे हैं और मर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,862 है। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब यूरोपीय यूनियन ने कनाडा के हवाई सफर के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। एक ही दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2786 केसेस सामने आए हैं। इससे कबल 3 मई को 2698 केसेस रिपोर्ट हुए थे। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 209,148 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब यूरोपीय यूनियन ने कनाडा के हवाई सफर के लिए पाबंदी आयद कर दी है। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,862 है। क्यूबा एक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 97,321 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,094 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 67,527 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,071 है। अल्बर्टा में 23,829 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 296 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 12,331 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 256 है।
ऑन्टेरियो में बहुत से केयर होम्स को कानून पर अमल दरामद में नाकामी पर किसी सजा का कोई सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता 10 सालों में हिफाजती मेयारात पर पूरा ना उतरने की वजह से सिर्फ 2 सेंटर्स को बंद किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के 85% नर्सिंग होम्स बार बार कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खुफिया कैमरॉन से ये पता चला है कि अमला वहाँ के रिहायशियों के साथ मारपीट करता है और उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म केयर होम्स में बदसलूकी, नाकाफी इन्फेक्शन कंट्रोल, दवाइयों का गैर महफूज जखीरा, गैर मुनासिब हाइड्रेशन समेत कुछ इंतहाई संगीन या खतरनाक जराइम की शिकायत सामने आई है। ऑन्टेरियो के 632 होम्स में से 538 बार बार कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं। यहाँ ये बात तश्वीशनाक है कि बहुत से केयर होम्स को कानून पर अमल दरामद में नाकामी पर किसी सजा का कोई सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता 10 सालों में हिफाजती मयारात पर पूरा ना उतरने की वजह से सिर्फ 2 सेंटर्स को बंद किया गया है। इससे कबल लॉन्ग टर्म केयर होम्स की वजीर का कहना था कि गफलत या बदसलूकी के मुर्तकिब अफराद के लिए कोई रियायत नहीं है, उनसे निपटा जाना चाहिए। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 841 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से एक ही दिन में नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 841 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से एक ही दिन में नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद है। जबकि 7 दिनों में नए केसेस की औसत शरह में भी इजाफा देखने में आया है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस टोरंटो में 335, पील में 162, यॉर्क में 106 और ऑटावा में 72 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे के मेडिकल ऑफिसर डेविड विलियम का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक ही दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। सूबे में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना वायरस से 9 अमवात रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के सबब 40 अफराद हलाक हुए थे। टोरंटो के एक जज ने बेघर अफराद और उनके हिमायती अफराद की तरफ से वबाई अमराज के दौरान टोरंटो के पार्क्स में डेरे डालने की इजाज़त देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। कोरोना वायरस के खौफ से सैकड़ों मर्द और ख़वातीन पनागाह छोड़ चुके हैं और वह शहरों में फैले हुए खेमों में रह रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के एक जज ने बेघर अफराद और उनके हिमायती अफराद की तरफ से वबाई अमराज के दौरान टोरंटो के पार्क्स में डेरे डालने की इजाज़त देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस ग्रुप में खैमों में रहने वाले 14 अफराद और 2 तंजीमें शामिल हैं। शहरी हुकूमत के आईनी चैलेंज की समाअत तक बेघर अफराद को पार्कों में रहने की इजाज़त चाहते हैं। आधी रात के बाद पार्क में रिहायश या कैंप लगाने पर पाबंदी आयद है। जज का कहना है कि ये ग्रुप अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाने के इस मयार पर पूरा नहीं उतरा है, जो शहर के इस कानून को नाफिज करने की सलाहियत को मुअत्तल करने का जवाब पेश करेगा। कोरोना वायरस के खौफ से सैकड़ों मर्द और ख्वातीन पनागाह छोड़ चुके हैं और वो शहरों में फैले हुए खैमों में रह रहे हैं। शहरी हुकूमत ने इन हजारों अफराद के लिए दोबारा घर बनाने की भी एक अहम कोशिश की है, जिसके तहत बेघर अफराद में मौलिक वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मौसम बहार से ही 30 से ज्यादा इमारतों और होटल्स को खरीद या लीज पर हासिल करके पनागाह का इस्तेमाल किया। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,17,336 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 77,61,312 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,20,03,060 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 11,42,874 हो गई। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,28,381 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 86,61,651 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ कोरोना से 1,17,336 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि
से मुतासरा मरीजों की तादाद 77,61,312 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,55,962 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 53,32,634 तक जा पहुंची है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 22वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,250 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,43,774 तक जा पहुंची है। अमरीकी रेगुलेटर्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में सामने आने वाले नतायज की बुनियाद पर कोरोना वायरस के मरीजों पर एंटी वायरल के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई थी कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों की सेहतयाबी के वक्त का दौरानिया कम होकर औसत 5 दिन रह गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एंटी वायरल दवा रेमेडी सेवर के इस्तेमाल की मुकम्मल मंजूरी दे दी। अमरीकी रेगुलेटर्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में सामने आने वाले नतायज की बुनियाद पर कोरोना वायरस के मरीजों पर रेमेडी सेवर के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई थी कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों की सेहतयाबी के वक्त का दौरानिया कम होकर औसतन 5 दिन रह गया है। सिर्फ अमरीका में मई के महीने से रेमेडी सेवर को हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल की इजाजत मिली हुई है। दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 4,20,00,000 हो गए। कोरोना के शिकार होने वाले अमरीकी सदर ट्रंप को भी दौरान इलाज ये दवा दी गई थी। रवा माह अमरीका की 28 रियासतों में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि यूरोप में कोरोना वायरस के केस 10 दिनों में दुगने हो गए। ज्यादातर अमरीका की वस्त मगरबी रियासतें मुतासर हुई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आगाज हो गया है। मुतादित अमरीकी रियासतों में नए केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, जिनमें ज्यादातर अमरीका की वस्त मगरबी रियासतें मुतासिर हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा माह अमरीका की 28 रियासतों में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि यूरोप में कोरोना वायरस के केस 10 दिनों में दुगने हो गए। जुमेरात को यूरोपीय मुल्कों में एक दिन में 2,00,000 केसेस रिपोर्ट हुए। यूरोप में अमरीका, ब्राजील और भारत के मजमू केसेस के मुकाबले में ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। केसेस बढ़ने पर इटली के रीजन लोम्बार्डी में रात को कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि रोम समेत इटली के रीजन लाजिव और कंपानिया में आज से रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांस के मजीद 38 इलाकों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमरीकी सदर ने कहा है कि चीन से फैलने वाली कोरोना वायरस की वबा अभी ख़त्म नहीं हुई। ये आलमी वबा है जिससे पूरी दुनिया मुतासर हुई। मैं मुल्क खोलना चाहता हूँ, स्कूल्स खोलना चाहता हूँ, बच्चों से टीचर्स में बीमारी फैलने के कम केसेस हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के आखिरी मुबाहसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 22 लाख अमरीकियों के कोरोना वायरस की वबा से हलाक होने का खदशा था। चीन से आए हुए इस वायरस से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चंद हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी, मैंने भी ये वैक्सीन इस्तेमाल की, इसी से बेहतर हुआ। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा अब दूर होती जा रही है, वैक्सीन इस साल के आखिर तक आ जाएगी। हम कोरोना वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं। मुझे कोरोना का मर्ज हुआ, मैं ठीक हो गया। 99% लोग ठीक हो जाते हैं। हमें अपने स्कूल खोलना होंगे, हम मुल्क बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मेरी वजह से नहीं, चीन से आया है। जब मैंने चीनियों के लिए शट डाउन किया तो जो बाइडेन ने कहा कि गलत काम किया। डेमोक्रेट्स रियासतों को देखें, वो शट डाउन कर रहे हैं और मर रहे हैं। मुल्क खोलना चाहता हूँ, मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, बच्चों से टीचर्स में बीमारी फैलने के कम केसेस हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को देखो कितना गंदा है, वहाँ की हवा कितनी आलूदा है। जब मैंने चीनियों के लिए शट डाउन किया तो जो बाइडेन ने कहा कि गलत काम किया। डेमोक्रेट्स रियासतों को देखें, वो शट डाउन कर रहे हैं और मर रहे हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.